नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नोटिफिकेशन गुरु में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा जारी किया गया एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें कि 4322 पदों का विवरण है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन 4322 पदों पर भर्ती का। तो कौन कौन से इसके अंदर पोस्ट हैं और क्या है आपकी सैलरी इस पोस्ट की, कितनी होगी आपकी एप्लीकेशन फीस और क्या है इसका इंपॉर्टेंट डेट्स, कब तक कर सकते हैं अप्लाई, सारा कुछ आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको दिखाएंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप समझ पाए पूरी जानकारी और इसका लाभ उठा सकें। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारे द्वारा आई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले और आप उसका लाभ उठा सके। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 4322 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अंदर आपके वेरियस डिपार्टमेंट होंगे जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी, अलग अलग बोर्ड्स में पोस्टिंग होगी और अलग अलग ऑफिसों में पोस्टिंग होंगी, ठीक है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने जारी कर दिया विभिन्न पदों की भर्ती पर। तो बात कर लेते हैं पहले इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डेट्स में नोटिफिकेशन को आज ही रिलीज़ किया गया है 7 सितंबर को, ठीक है। स्टार्टिंग डेट इसकी 22 सितंबर से आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ओके। और लास्ट डेट जो है इसकी 9 अक्टूबर तक आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 12 अक्टूबर है, 12 अक्टूबर तक आप फी को पेमेंट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड अभी अवेलेबल सून है, जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपको हमारे वीडियो के द्वारा पता लग जाएगा, हमारा नोटिफिकेशन अब तक पहुंच जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी एडमिट कार्ड आए तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन गुरु की तरफ से, ठीक है। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो फ्रेंड्स, इसमें अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फ़ीस है। जैसा कि आप देख रहे हैं 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 17 और 19 के लिए जो फीस रखी हुई है एप्लीकेशन फ़ीस, उसकी देखिए। इसके अंदर हरियाणा मेल एंड अदर स्टेट के कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 150 रुपये रखी गई है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट्स हरियाणा के हैं और अदर स्टेट्स के हैं उनके लिए 150 रुपये, जनरल कैंडिडेट्स के लिए। साथ ही हरियाणा में जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 75 रुपये हरियाणा की, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स आउटसाइड और अदर स्टेट नहीं, सिर्फ हरियाणा की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 75 रुपये, ठीक है। हरियाणा मेल ST, ST और EWS, ठीक है, इनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 35 रुपये रखी गई है। और हरियाणा की जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगी उनके लिए 18 रुपये रखी गई है, जो कि SC, ST और EWS की हैं। उसके साथ ही बात करें कैटेगरी नंबर 3, 7, 9, 15, 16, 18 एंड 20 की, तो इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस मेल के लिए, जो कि हरियाणा के हैं और अदर स्टेट के हैं, उनके लिए 100 रुपीज़ मेल के लिए रखी हुई है। और हरियाणा फीमेल कैंडिडेट जो जनरल होंगी उनके लिए 50 रुपये, हरियाणा मेल SC, ST और EWS के लिए 25 रुपये। उसके बाद हरियाणा फीमेल ST, ST, EWS के लिए 13 रुपये, ठीक है। ये सारी पेमेंट आपकी ऑनलाइन पेमेंट मोड है, इसमें आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान SBI क्लिक से पेमेंट कर सकते हैं। बात करें जॉब लोकेशन की, तो आपकी जॉब लोकेशन हरियाणा होगी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जारी किया है ना, तो आपकी जॉब लोकेशन हरियाणा के अंदर होगी, ठीक है। आपका वर्किंग प्लेस हरियाणा होगा। बात करें एज लिमिट की, तो इसके अंदर मिनिमम एज लिमिट 17 साल मांगी हुई है। आपकी एज 28 जुलाई 2019 तक हो जानी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज 45 ईयर्स है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डिटेल में देख लीजिएगा, उसमें भी आपको बता दिया हुआ सारा कुछ। बात करें एज रिलैक्सेशन का, तो अपर एज लिमिट की रिलैक्सेशन दी हुई है SC ST के लिए 5 साल, यानी कि आपका मिनिमम आपका 17+5 हो जाएगा और 45+3 OBC के लिए दिया हुआ, ठीक है, यानी कि 48 साल आपका OBC वालों के लिए जाएगा। बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 4322 पोस्ट हैं। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पोस्ट हैं, ठीक है। सीटों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चाहे आपका फ्रेंड किसी भी स्टेट में हो, हरियाणा में हो, चाहे अदर स्टेट में कहीं भी हो, तो अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर माध्यम शेयर कीजिएगा, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है। आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं इसके अंदर, तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की, कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और कितनी उसकी पोस्ट हैं, ठीक है, किस तरह की वैकेंसीज और कितनी उसकी पोस्ट हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर देखिए पोस्ट नेम में देखिए वेरियस स्टाफ नर्स, आपकी स्टाफ नर्स की पोस्ट हैं, कलर की पोस्ट हैं, सुपरवाइज़र की है एंड अदर डिफरेंट पोस्ट, और भी बहुत सारी पोस्ट हैं, ठीक है।
तो वो हम डिटेल में अब हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया हुआ है। तो इसमें देखिए डेंटल हाइजेनिस्ट की 29 सीटें हैं, 29 पोस्ट जो है डेंटल हाइजेनिस्ट की हैं। लेबॉरटरी टेक्नीशियन की 307 पोस्टें हैं, लेबॉरटरी अटेंडेंट्स की 28 सीटें हैं। MPSWF ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाया होगा क्या है ये, ठीक है। इसकी 565 पोस्ट हैं, ठीक है, हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे क्या है MPSW, ठीक है। फार्मिस्ट की 92 सीटें हैं, रेडियोग्राफर और अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन की 197 सीटें हैं, हेल्थ विजिटर की 8 पोस्ट हैं, उसी तरह ऑप्थमेटिक असिस्टेंट की 66 पोस्ट हैं, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की 100 पोस्ट हैं, स्टाफ नर्स की 1584 पोस्ट हैं। कितनी ज़्यादा स्टाफ नर्स की पोस्ट है, देखिए 1584 पोस्ट स्टाफ नर्स की हैं। तो जो भी आपकी फीमेल फ्रेंड होंगी उनको भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो, ठीक है, जो स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन में है उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं तो कहता हूँ सबको ही शेयर कर दीजिए ताकि जो भी आपका इन सब्जेक्ट से हो प्रिपरेशन कर रहे हो वो इस फॉर्म को भर लें, वैकेंसीज बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है फ्रेंड। उसके साथ आगे देखिए वेटनरी लाइव स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट की कितनी है, 546 पोस्ट हैं, सुपरवाइज़र फीमेल मैट्रिकुलेट की 19 पोस्ट हैं, सुपरवाइज़र फीमेल ग्रेजुएट्स की जो 10वीं पास हैं उनके लिए 19 पोस्ट हैं और जो ग्रेजुएशन है उनके लिए 57 सीटें हैं। तो ये वीडियो सबको ही शेयर कर दीजिए आप इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर सब पे। जूनियर सिस्टम इंजीनियर की देखिए 126 सीटें हैं, इंजीनियर्स की भी हैं इसके अंदर, क्लर्क की 23 पोस्ट हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की 77 पोस्ट हैं, डिविजनल रेवेन्यू अकाउंटेंट में 42 पोस्ट हैं इसके अंदर, देखिए कितनी बढ़िया पोस्ट हैं। सब इंस्पेक्टर जनरल की 409 सीटें हैं इसके अंदर, स्टाफ नर्स एम्प्लॉय स्टेट ESIC में निकला हुआ देखिए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हेल्थ केयर में 24 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद आपका MPSW फीमेल इसके अंदर देखिए एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस हेल्थ केयर में 23 सीटें हैं इसके अंदर, है ना। और पे स्केल क्या है, एज़ पर रूल आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया होगा, तो उसमें हम देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या दिया है पे स्केल। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी हुई हैं, किस पोस्ट के लिए कितनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी हुई हैं, अब हम वो देख लेते हैं। तो जैसा कि पहला पोस्ट था डेंटल हाइजीनिस्ट का, इसके अंदर आपके पास डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स का रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से एलिजिबल होना चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है, डेंटल हाइजीनिस्ट की रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। लेबॉरटरी टेक्नीशियन के लिए अगर आप 10+2 पास हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ विद आपके पास एक ईयर का लेबॉरटरी टेक्नीशियन का डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 10+2 पास है फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ और साथ ही आपके पास एक साल का लेबॉरटरी टेक्नीशियन डिप्लोमा है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास मैट्रिक एंड लेबॉरटरी टेक्नीशियन डिप्लोमा है तो भी आप इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। आपने मैट्रिक किया है 10+10th किया है और लेबॉरटरी टेक्नीशियन से डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेबॉरटरी अटेंडेंट्स के लिए आपका 10th के साथ साइंस फिजिक्स और केमिस्ट्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स 10th पास हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आपका था MPSW फीमेल के लिए, इसमें देखिए अगर आप 10+2 एनी स्ट्रीम से पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 10+2 हैं तो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ये पोस्ट डिटेल में हम जानेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या है, आगे हम देखेंगे, ठीक है। फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट्स हैविंग ANM, अगर आपके पास ANM का कोर्स कर रखा है आपने तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। बेसिकली ये नर्सिंग का कोर्स है, ANM जो है ना नर्सिंग का कोर्स है, तो ये नर्सिंग से रिलेटेड ही कोई ट्रेड है ये मेरे ख्याल से, देख लेंगे आगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जैसा होगा। उसके बाद देखिए फार्मिस्ट की जो है उसके लिए आपको 10+2 पास होना जरूरी है फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ, मस्ट हैव आपके पास फार्मिस्ट का डिप्लोमा होना जरूरी है, शुड बी रजिस्टर्ड एज अ फार्मिस्ट, आपके पास किसी भी रजिस्टर्ड फार्मिस्ट से डिप्लोमा होना जरूरी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ में फार्मिस्ट का डिप्लोमा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है रेडियोग्राफर और अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन की, इसके लिए अगर आप 10th पास हैं साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ विद आपके पास अगर रेडियोग्राफर का डिप्लोमा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। हेल्थ विजिटर की पोस्ट में भी आपका 10th पास मांगा हुआ है साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ और शुड बी क्वालिफाई, अगर आप टर्बोकुलस हेल्थ विजिटर से कोई आपने डिग्री कर रखी है डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, डिप्लोमा ही होगा मेरे ख्याल से क्वालिफाइड ट्यूबुलस हेल्थ विजिटर का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्थमेटिक असिस्टेंस के लिए जो मांगा हुआ है इसमें प्री मेडिकल मांगा हुआ है और इसके इक्वेलेंट विथ 40% मार्क्स आपका होना चाहिए हैविंग ऑर्थोपेडिक असिस्टेंट डिप्लोमा में तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही बात करिए ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की, तो इसके अंदर अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री के बायो के फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस के साथ और साथ ही आपने ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का कोर्स कर रखा है तो भी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टाफ नर्स की वैकेंसी है इसके अंदर, तो स्टाफ नर्स में आपके पास BSc ऑनर्स अगर आपने कर रखा है नर्सिंग से तो भी अप्लाई कर सकते हैं।
साथ ही अगर आपने बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग विथ मिडवाइफ ट्रेनिंग किया हुआ है, मस्ट हैव रजिस्टर्ड एज अ डिवीजन नर्स विथ मिडवाइफ ट्रेनिंग, तो भी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। वेटनरी लाइव स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंस कैंडिडेट हैविंग 2 ईयर VLDA कोर्स अगर आपने कर रखा है हरियाणा गवर्नमेंट से, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइज़र फीमेल मेट्रिकुलेट, सुपरवाइज़र की एक वैकेंसी है फीमेल्स के लिए, इसमें अगर आपने 10th पास किया हुआ एग्जामिनेशन विद आपके पास एक्सपीरियंस है 11 मंथ का ट्रेनिंग एज अ बाल सेवक, ठीक है, अगर आपने 10th पास करके 11 मंथ की ट्रेनिंग कर रखी है बाल सेवक की एंड 8 ईयर का एक्सपीरियंस है बाल सेवक का और आंगनवाड़ी अगर आप वर्कर हैं तो आप अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। जो कैंडिडेट्स फीमेल महिला जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं तो वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं, उसके लिए आपको 10th पास मार्क की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली फ्रेशर्स के लिए है और ये एक्सपीरियंस वालों के लिए हो गया, तो आप दोनों ही एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, ओके। और सुपरवाइज़र फीमेल ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएट हैं फीमेल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, इसमें इसमें ऐसा कुछ बताया नहीं कि कौन सी ग्रेजुएशन डिग्री मांगे, अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से तो आप अप्लाई कर सकती हैं। जूनियर सिस्टम इंजीनियर, इसमें आपके पास कैंडिडेट्स के पास बी और बीटेक की डिग्री होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एमसीए किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी वाले भी अगर 60% मार्क्स है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आप तीनों लोग भर सकते हैं इसको, ठीक है। अगली वैकेंसी आपकी कलर की है, कलर के लिए आपको 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके इक्विवेलेंट में कोई डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल विथ और क्लर्कल ट्रेड फ्रॉम द फॉर्मर सर्विस लाइक जोको, अदर रैंक कुछ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इन फोर्स नेवी और से रिलेटेड हैं, अगर आप नेवी में काम करते हैं एयरफोर्स से अगर आप रिलेटेड हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे है आपका वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए कैंडिडेट्स को पास होना चाहिए 10th 12th और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए और एक्स जैको भी होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप तीनों हैं 10th वाले भी अप्लाई करेंगे 12th वाले भी कर सकते हैं, इसके इक्विवेलेंट में जो डिग्री है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट रैंक इन एयरफोर्स, अगर आप ऑफिसर हैं किसी भी इक्विवेलेंट रैंक के इन एयरफोर्स और नेवी में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिविजनल रेवेन्यू अकाउंटेंट, ये बेसिकली आपका SDM ऑफिस वगैरह में जो रेवेन्यू अकाउंटेंट होते हैं उनके लिए है। इसमें जो होगा आपके पास MCOM की डिग्री होनी चाहिए विथ 60% मार्क्स, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका 50% मार्क्स भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। अगला है आपका सब इंस्पेक्टर जनरल, कैंडिडेट्स हैविंग हु हैव पास 12th क्लास, अगर आप 12th पास हैं, ओनली सिर्फ 12th पास हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी भी स्ट्रीम से हो, तो आप सभी इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें स्टाफ नर्स की, जो कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हेल्थ केयर में है, इसके अंदर आपके पास BSc हॉनर्स नर्सिंग का अगर आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकती हैं। साथ ही वो कैंडिडेट्स जिन्होंने BSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया तो भी अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा है जनरल नर्सिंग में विथ मिडवाइफ ट्रेनिंग के साथ तो अभी अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। बात करें MPHW फीमेल के लिए, जो कि एम्प्लॉई स्टेट हेल्थ केयर में है, इसमें अगर आप 10+2 हैं किसी भी स्ट्रीम से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही अगर आपने फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ अगर आपके पास ANM की डिग्री है, ANM का कोर्स किया हुआ है आपने, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए कि इंपॉर्टेंट टर्म्स ये दी हुई है कि फ्रॉम ऑल द पोस्ट इट इज़ मस्ट टू हैव हिंदी संस्कृत एज सब्जेक्ट अप टू मेट्रिकुलेशन हायर एजुकेशन, आपके पास जो मेट्रिकुलेशन का या फिर हाइयर सर्टिफिकेट होना चाहिए उसमें आपका हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ये ज़रूरी है इसके अंदर। बात करें अब इसके अंदर देखिए क्या दिया है नोट आपको, एक मैं नोटिफिकेशन गुरु आपको नोट दे रहा है, कैंडिडेट्स आर सजेस्टेड टू रीड फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन आपको हमेशा कहता है नोटिफिकेशन गुरु कि कोई भी आप फॉर्म भरें हमारे द्वारा बताए हुए, चाहे आप किसी के भी द्वारा बताए हुए कोई भी फॉर्म भरें, तो आप पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर भरें। इसीलिए हम आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उसमें उसका आपका पे स्केल होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, साथ ही एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया और मार्क्स वाइज डिटेल्स सारा कुछ आपको बताया जाता है, और मैं भी यही करता हूँ, ठीक है। तो आप ये सारा कुछ हम आपको बताते हैं, तो आप प्लीज़ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आप अप्लाई करें, ठीक है। बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। तो फ्रेंड्स अप्लाई करने के लिए आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक अप्लाई लिंक दिया हुआ है, आप वहां से अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, बिफोर 9 अक्टूबर 2019 से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरिटीज़ ऑफ रिक्वायरिटीज़ ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी आप देखिए
इसमें आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगेंगे, ठीक है, स्कैन कॉपी, ग्रेजुएशन डिग्री और मार्कशीट, अगर सर्टिफिकेट्स वगैरह कोई है तो वो भी आप लगा सकते हैं। स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। डोमोसाइल आपको देना पड़ेगा, अगर आप हरियाणा के हैं तो डोमोसाइल देना पड़ेगा, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। DSEM और DDF और वुमेन इश्यू बाई कंप्लीट अथॉरिटीज़ अगर आपको कोई मिला हुआ है तो भी आप लगा सकते हैं। चालान, क्रेडिट सर्टिफिकेट, ई चालान, वो आपको पे करना पड़ेगा। जैसे आप फी पेमेंट करेंगे, चालान के थ्रू करेंगे तो भी आपको उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी। इसके अलावा आपको फोटोग्राफ लगाने पड़ेंगे, कलरफुल फोटोग्राफ और रिसेंट होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर आपका कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए और ब्लैक पेन से आप करें तो अच्छा होगा, ठीक है। साथ ही आधार कार्ड आपको इश्यू इसमें लगाना पड़ेगा, वो जरूरी है, मैंडेटरी है, वो आपको देना पड़ेगा। बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो हरियाणा का जो वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट है, इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो CBT के ऊपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, साथ ही आपका OMR बेस्ड टेस्ट भी होगा। तो जिस ट्रेड के लिए जैसा होगा, जौन सी पोस्ट के अप्लाई करते हैं, इस पर डिपेंड करेगा उसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है या फिर OMR बेस्ड टेस्ट है। तो फ्रेंड्स, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है। इसमें देखिए डेट ऑफ अप्लीकेशन 7 तारीख को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन जो होगा 20 तारीख से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे इस पर, ठीक है, इस फॉर्म को फिलिंग करने के लिए। क्लोजिंग डेट जो होगी 9 अक्टूबर को आप 12 बजे रात तक कर क्लोज हो जाएगा ये, ठीक है, 12 बजे रात के बाद आप नहीं कर पाएंगे। क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिट फॉर फीस सबमिट करने की डेट जो क्या है 12 अक्टूबर है, ठीक है। तो इसमें दिखा रखा टेबल ऑफ कंटेंट, कैसे कैसे आपका क्या मोड ऑफ होगा, पहले इन्विटेशन एप्लीकेशन जाएगा, फिर आपको फॉर्म फिलिंग गाइडलाइन करना पड़ेगा, फिर स्पेशल किस तरीके से आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना है, ये सारा कुछ इसके अंदर बताया हुआ है, ठीक। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, ओके, लिंक दिया हुआ है। तो ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, साथ ही इसमें आपको हर एक पोस्ट के लिए आपको बताया हुआ है कि टोटल कितनी नंबर ऑफ सीटें हैं और किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं। जैसे कि हमने बताया था आपको कि जो डेंटल हाइजीनिस्ट की पोस्ट हैं इसके अंदर टोटल मिलाकर के 29 सीटें थी, तो किस कैटेगरी वाइज, जनरल के लिए 14 सीटें हैं, SC के लिए 5 हैं, BCA के लिए 4 हैं, BCB के लिए 3 हैं और EWS के लिए 3 हैं, उसमें नॉन ECM में और ECM में और SP में इस तरीके से दिखाया हुआ है। तो ये आप देख लीजिएगा, आपका जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए आप इसको देख लीजिएगा, ओके। साथ ही आपको हर एक पोस्ट के साथ बताया हुआ है कि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होगी और पे स्केल कितना होगा, ठीक। तो इसको आप पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये पूरा पढ़ने के बाद ही आप अप्लाई करने के लिए जाइएगा, ओके। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ कि किस पोस्ट के लिए आपकी कितनी क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, सारा कुछ इसमें दिखाया हुआ है। जैसे कि आप देखिए इसमें 8 पोस्ट ऑफ TB हेल्थ विजिटर के लिए था, जिसमें टोटल मिला जनरल के लिए 2 सीटें थी, SC के लिए आपकी 3 हैं, BCA के लिए 1 और BBC के लिए 2, टोटल मिला करके 8 सीटें हैं। पे स्केल क्या होगा, 5th पे स्केल होगा, 17 से 42 साल मांग रखी है। क्वालिफिकेशन इसमें दिखाया हुआ है, मैट्रिक में साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री चाहिए और साथ ही आपने हेल्थ रजिस्टर का कोई इंस्टीट्यूट से कहीं से आपने कोई कोर्स कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उस तरीके से हर पोस्ट के बारे में इसमें जानकारी दी हुई है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, और कोई कंसर्न होगा तो आप मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। कोई भी इशू हो आपका हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस पोस्ट के रिगार्डिंग तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा सकें और मिस ना हो ये किसी से भी, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी के लिए बाय, फिर मिलेंगे एक नई वैकेंसी के साथ, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जब कीजिएगा। तो अभी के लिए बाय।